महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 15 घंटे का संवाद और उपवास का आयोजन आनंद समाज वाचनालय कंकाली पारा में 2 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस दौरान गांधी जी की स्मृति में कठोर निर्जला उपवास रखा जाएगा। इस संवाद और उपवास में शहर के प्रथम नागरिक प्रमोद दुबे सहित विभिन्न आमजन और गणमान्य उपवास स्थल पर जुटेंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो लगभग 150 वर्ष बाद बना है और आज भारत को जो है महात्मा गांधी के विचारों की, उनकी सोच की, उनके आंदोलन की और उनके प्रयासों की जितनी ज़्यादा जागृति लोगों के बीच में पहले उतना अधिक सभी को प्रयास करना चाहिए और इसी को सम्मानजनक तरीके से या अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू को मैं जो हूँ 15 घंटे के लिए, चूँकि उनकी जयंती 150वीं जयंती है इसलिए 15 घंटे का एक कठोर उपवास, निर्जल उपवास कह सकते हैं उसको, वो सुबह 6 बजे से आरम्भ करके लगभग शाम को 9 बजे तक वो उसका रहेगा और उस दौरान जो है सभी जो भी गांधी प्रेमी जन हैं, गांधी जी को के विचारों को मानने वाले लोग हैं उन सभी का स्वागत है। यह स्थान वही स्थान है जहाँ गांधी जी रायपुर में पहली बार आए थे और सभा उन्होंने ली थी, तो वो जो है जो आर्य समाज वाचनालय है उसके पीछे जो मैदान है वहीं पर जो है एक छोटा सा जगह बनाकर वहीं बैठ दिन भर हम उपस्थित रहेंगे और हम लगभग हमारे जो सभी मित्रगण हैं, साथीगण जो गांधी जी को मानने वाले हैं वो लेंगे। ज्ञात हो कि रायपुर में गांधी जी ने पहली सभा यहाँ नजदीक ही की थी। सभा में बापू के गैर राजनीतिक चिंतन और व्यवहार पर चर्चा होगी। उपवासकर्ता ज्योतिषविद अरुणेश कुमार शर्मा ने बताया कि गांधी जी पूर्णतः गैर राजनीतिक रहे। वे भारत के शिखर स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता, समाजसेवी, वक्ता, पत्रकार, लेखक, धर्म दर्शन वेत्ता और सफल पारिवारिक व्यक्ति थे। बोलते गांधी जी जो है राजनीतिक नहीं थे, आंदोलनकर्ता थे, एक अच्छे वकील थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे संपादक थे और उनके जो है अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक थे। उन्होंने जो खानपान पर उन्होंने पूरा उनका एक मतलब उसका पूरा एक नियंत्रण था, उनका एक पूरी पद्धति, दिन में केवल 5 चीज़ें वो लेते थे, तो उनका व्यक्तित्व जो है राजनीति से कहीं बड़ा था। वो अच्छे दार्शनिक थे, धर्मवेत्ता थे, उनके जो विचार थे वो अद्भुत थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने जब जब गांधी हुआ करते थे। तो गांधी के जीवन की उपलब्धियों, गांधी जी के प्रयासों, गांधी जी के विचारों, इन सबको आज समाज में पुनः अधिकार फैलाने का प्रयास हम सभी को करना है और ये कोशिश है छोटी सी जिसमें मैं भी एक अपनी एक आहुति देने का, एक आचमन देने का, गांधी जी को समर्पण देने का प्रयास कर रहा हूँ। राहुल चौबे, glyphs.in। For more information, log on to www.glyphs.in।